स्पॉन्सर बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार, नियर पंजाब नेशनल बैंक, पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज। अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। एलजी, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डायगन, ऑथराइज्ड डीलर। ASMRO ऑल मॉडल अवेलेबल। अपो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। जीटी रोड नियर फेडरल बैंक, पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इन पानीपत। वायरलेस सीसीटीवी कैमरा, मास्टर इंटरनेशनल, रिफाइनरी बाईपास रोड, बत्रा कॉलोनी, पानीपत। फोन 9253342393। स्पॉन्सर्ड बाय रवि टेलीकॉम। हर मोबाइल की खरीद पर ग्लास कार्ड व कवर फ्री। कोई भी पुराना मोबाइल लाए, नया मोबाइल ले जाएं। सैमसंग, वीवो, ओप्पो, एप्पल, माइक्रोमैक्स, नियर ओल्ड चांदनी बाग, नवा कोट, गुरुद्वारा मोड, सनोली रोड, पानीपत। सरकारी पद से रिटायर कर्मचारी को अवैध वसूली करते किया गया गिरफ्तार। धनतेरस की खरीदारी कर रही महिला के साथ हुई चैन स्नैचिंग, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। अवैध रूप से पटाखों को बेचने वालों को किया गया गिरफ्तार। 4 से 5 लोगों के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। आर्य बाल भारती स्कूल द्वारा प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाने के संदेश को लेकर निकाली गई रैली। दीपावली के त्योहार को लेकर बाजारों में दिखी रौनक, खरीदारी करने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। किन्नर समाज ने वॉइस ऑफ पानीपत के जरिए पानीपत की जनता को दी दीपावली की शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं पिंकी धीमान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं वॉइस ऑफ पानीपत पर। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत धनादन। आइए धनादन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। दीपावली को लेकर पानीपत शहर के सारे बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। बाजार सज चुके हैं, लोगों की भीड़ भारी तादाद में उमड़ रही है। इसी के चलते सोने चांदी के जेवर और स्टील के बर्तनों की बिक्री में काफी इजाफा हो रहा है। त्योहार के दिनों में पानीपत के बाजारों का नजारा कुछ बदला सा नजर आया। दीपावली पर्व को लेकर बाजार सज चुके हैं और त्योहार होने के कारण काफी लोग खरीदारी करने बाजारों में पहुंच रहे हैं। दीपावली का त्योहार अपने साथ कई अन्य त्योहार भी लेकर आता है। दीपावली के दिनों में सोने और चांदी के बिक्री में काफी तेजी आ जाती है, क्योंकि इन दिनों में सोना खरीदना शुभ माना जाता है। वहीं इन दिनों स्टील के बर्तनों व क्रॉकरी की भी काफी डिमांड हो जाती है, क्योंकि इस दिन स्टील के बर्तनों को खरीदना काफी शुभ होता है। परंपरा भी है, बड़े लोगों की मान्यता है खरीदना चाहिए, तो बस इस बहाने शॉपिंग भी हो जाती है। और काम है मार्केट में पिछले साल से ज्यादा। कितना अनुमान पिछले साल से कितना ज्यादा होगा? पिछले साल से 30-40% ज्यादा। लोगों की किस चीज की डिमांड है यहाँ पे? मतलब चांदी की ज्यादा। ना आइटम क्या है? चांदी के क्वाइन, होलमार्क के बर्तन, गोल्ड होलमार्क ज्वेलरी, सब रिंग। तो दीपावली क्लस्टर पे आप लोगों ने ऑफर भी निकाली है? नहीं, ऑफर तो नहीं। बहुत टाइम के बाद बाजारों के अंदर रौनक दिखी है। जो लोगों ने तैयारियां कर रखी थी अपनी दुकानों की, गोल्ड वालों ने, बाजार वालों ने, जो भी तैयारियां कर रखी थी, जो आज बाजार का क्राउड है, इसके हिसाब से ये लगता है कि धनतेरस और दिवाली लोगों के लिए बहुत अच्छी आई है। इतना रश आज बाजार में बहुत दिनों बाद देखने को मिला है और उम्मीद करते हैं कि यही रश आगे चलता रहे। पूरे देश में प्रदूषण मुक्त आतिशबाजी करने के लिए अपील की जा रही है और साथ ही गैर तरीके से पूरे देश में प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाने की अपील की जा रही है और साथ ही अवैध तरीके से आतिशबाजी बेचने वालों पर भी कार्यवाही की जा रही है। इसी के चलते सिटी थाना के साथ लगते इलाकों में अवैध तरीके से आतिशबाजी की बिक्री करने वाले दुकानदारों को गिरफ्तार करते हुए आतिशबाजी का भारी स्टॉक भी बरामद किया गया। आतिशबाजी की अवैध बिक्री कर रहे दुकानदारों पर रेड मारते हुए
सिटी थाना प्रभारी विक्रांत ने 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया और साथ ही आतिशबाजी का बड़ी मात्रा में स्टॉक भी बरामद किया। उनका कहना है कि कोर्ट से मिले आदेशों का पालन करते हुए जगह जगह रेड मारकर अवैध तरीके से की जाने वाली आतिशबाजी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही अगर आगे भी ऐसी कोई शिकायत मिलेगी तो उनके खिलाफ तुरंत कार्यवाही की जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार किसी भी तरह की आतिशबाजी करना या बेचना वो कानून में बंद है, तो उसके वजह में हमने एक दो जगह कल चेक किया तो आतिशबाजी का सामान मिला हमें और उससे उसके खिलाफ FIR की गई है सेक्शन 9B के तहत एक्सप्लोसिव एक्ट। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और कितना माल बरामद हुआ है? कल रात को एक बंदे के खिलाफ दर्ज हुआ था और आज दिन में 2 से 3 बंदे पकड़े गए हैं। अभी माल की काउंटिंग जारी है। अब तक का लगभग कितना माल स्टॉक पकड़ा गया? हाँ, काफ़ी माल था, अभी काफ़ी स्टॉक था, क्वांटिटी तक मैं बता नहीं सकता है क्या है। तो धनतेरस की खरीदारी कर रही महिलाओं के साथ चैन स्नैचिंग के कई वारदातें सामने आई हैं। मॉडल टाउन के आर्य समाज मंदिर के सामने से 2 बाइक सवार युवक एक महिला के गले से चैन खींचकर फरार हो गए। धनतेरस के दिन बाजारों में काफी दिनों बाद रौनक देखने को मिली। बीते दिन काफी लोग खरीदारी करने बाजारों में पहुंचे और खरीदारी की, लेकिन धनतेरस की रात काफी चैन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दिया गया। पानीपत में कई जगहों पर चैन स्नैचिंग की गई और एक घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। बीते दिन मॉडल टाउन के आर्य समाज मंदिर के पास खरीदारी करने आई ईदगाह कॉलोनी की महिला मनदीप अपने घर की ओर जा रही थी, जहां पर बाइक सवार 2 युवक मनदीप के गले से चैन खींचकर 9-2-11 हो गए, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने बाइक का पीछा भी किया लेकिन चोर पकड़ में नहीं आए, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को फोन किया लेकिन पुलिस ने फोन नहीं उठाया। वहीं मनदीप की सास जसवीर कौर ने बताया कि कल वह खरीदारी करने मॉडल टाउन गए थे, जहां 2 बाइक सवार युवक उसकी बहू मनदीप के गले से 17 ग्राम की चेन और लॉकेट खींचकर फरार हो गए। अपनी दुकान के अंदर खड़ा सी एक बार 4-5 लेडीज आपस से गल्ला बात कर रही है। सन एक लड़का पीछे एक खड़ा होया सी, उन्हें लाल शर्ट पहन रखी थी, एकदम शोर की आवाज़ आई, मैं एकदम बाहर भजया था, देखा वो लड़का चैन उतार के अगे दूसरा लड़का बैठा हुआ सी, अगे उनकी बाइक स्टार्ट सी, उन्हें तो बैठ के अगे चला गया। तो मैं फटाफट बाहर निकलिया, अपना चीवा स्टार्ट की पीछा किया, इन्नी देर तो अगर कई मोड़ है सन, वो पता नहीं किधर चले गया। मैं जहाँ तक रोड के पुल तक गया, मैंने नज़र नहीं आया। तुरंत मैं 100 नंबर पर फोन किया, 2 बारी कॉल की, किसी ने मैंने कोई रिप्लाई नहीं दी। फिर मैं पुलिस थाने चला गया मॉडल टाउन, उन्होंने गल की, उन्होंने तुरंत फटाफट सारे काम छड़ के मेरे नाल कार्रवाई की। इस तरह से कि असी मार्केट जा रहे थी, ते असी जान लगे ते साढ़े पिछों दी 2 मुंडे आए ने एक्टिवा दे, ते मतलब कि उन्होंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की सी, एक मुंडा चेन खिंच के पा दिया, असी शोर पाया, साड़ी वोटी पिछे भी गई ते सानू मिली नहीं हैगी चेन, मतलब कि उन्हां दा पता ही नहीं लगा बंदे किधर गए ने किधर नहीं गए है। आर्य बाल भारती विद्यालय द्वारा प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने का संदेश देने के लिए एक प्रेरणापूर्ण यात्रा निकाली गई, जिसमें विद्यार्थियों के साथ साथ अध्यापकों ने भी हिस्सा लिया। आर्य बाल भारती विद्यालय द्वारा निकाली गई ये प्रेरणापूर्ण यात्रा विद्यालय से शुरू होकर रेलवे रोड पर समाप्त हुई। इसमें विद्यार्थियों के साथ अध्यापकों ने भी शामिल होकर प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाने का संदेश दिया। साथ ही विद्यालय में महर्षि दयानंद द्वारा लिखित पुस्तक व्यवहार मानव भी वितरित की गई, क्योंकि 1883 में महर्षि दयानंद ने अपने प्राण भी इसी दिन त्याग किए थे। महर्षि दयानंद के व्यक्तित्व के बारे में जितना बताया जाए कम होगा। उन्होंने हमें वेद, गायें, यज्ञ व उत्तम चरित्र से जोड़कर गौरवशाली अतीत के बारे में बताया था। विद्यालय के निदेशक अभय आर्य ने जातिवाद को छोड़ने, नशे से दूर रहकर उत्तम चरित्र निर्माण करने की प्रेरणा दी। देखिए, जो दीपावली का पर्व है कल, और साथ ही आर्य समाज के संस्थापक युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद का भी निर्माण दिवस है, तो उसी संदर्भ में आज आर्य बाल भारती के विद्यार्थी और अध्यापकगण श्री जगदीश आर्य DP के संयोजक
हैं ये इस कार्यक्रम के, तो इनके उसमें निर्देश में एक प्रेरक यात्रा का आयोजन कर रहे हैं, जो यात्रा विद्यालय से आरंभ होकर और रेलवे रोड के पास से गुजरती हुई वापिस विद्यालय में आएगी। तो हम इस यात्रा से संदेश देना चाहते हैं कि प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाएं सभी, क्योंकि दीपावली नई फसल के आगमन का त्यौहार है और प्रकाश का त्यौहार है। जो सरसों के तेल के दीपक अब जलाते हैं वो पर्यावरण की शुद्धि के लिए और वायरस आदि को समाप्त करने के लिए बहुत उत्तम है। घी के दीपक जो बड़े दीपक घर में कुछ रखते हैं वो भी लाभदायक है। साथ ही एक हम संदेश देना चाहते हैं, दीपावली के शुभ अवसर पर किन्नर समाज ने बाजारों में खूब रौनक लगाई, इसी के चलते उन्हें दुकानों पर जाकर दुकानदारों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। किन्नर समाज ने आज बाजारों में खूब रौनक लगाई और दीपावली का पर्व मनाया। किन्नर समाज के लोगों ने अपने शुभ चिंतकों के पास जाकर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी और दीपावली का त्योहार मनाया। वहीं लोगों ने भी किन्नर समाज को मान सम्मान देते हुए उन्हें बधाई दी और अपनी खुशी को साझा किया। इस दौरान किन्नर समाज ने वॉइस ऑफ पानीपत के जरिए पानीपत की जनता को दीपावली की बधाई दी और लोगों से आग्रह किया कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जी नमस्कार जी, मैं सुनीता किन्नर पानीपत वाली, मैं अपने सभी शहरवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देती हूँ। परमात्मा सबको राजी रखे, सबके कारोबार में परमात्मा बढ़ोतरी करे, मेरे जिजमान का कारोबार चले, मैं भी अच्छी रहूँगी मेरे जिजमान के साथ में। मेरे जिजमान साल में मुझे इनाम देता है दिवाली का। सबको बहुत बहुत पानीपत वासियों को मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मेरा ये ही कहना है। हिंदुस्तान में बहुत बेटियां कम हो गई हैं, बेटियों की बहुत ज़रूरत है। माँ भी बेटी है, बहन भी बेटी है, मौसी भी चाहिए, ताई चाचियाँ भी चाहिए, तो बेटी है तो सब कुछ है। मेरे हिंदुस्तान भी आगे बढ़ेगा, परमात्मा राजी रखे। जय हिंदुस्तान जय भारत, नमस्कार। अवैध वसूली का कारोबार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज पुलिस ने सरकारी पद से रिटायर कर्मचारी को अवैध तरीके से वसूली लेते हुए गिरफ्तार किया। आज पुलिस ने सरकारी पद से रिटायर कर्मचारी को अवैध रूप से वसूली करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। पुलिस का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति फल फ्रूट के विक्रेताओं से पुलिस के नाम पर पैसों की वसूली कर रहा है, जिसके बाद उन्होंने मौके पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार किया और बताया कि अधिकारी अपने पद से 2016 में रिटायर हो चुका है। फोन आया था मार्केट से मेरे पास कि एक बंदा है जो अपने आप को फॉरेस्ट विभाग का बता रहा है और रेडी फड़ी वालों से कुछ पैसे एकत्रित कर रहा है, जिसके बारे में उसको डिटेन किया गया है, उससे पूछताछ जारी है और रिकॉर्ड लिया जा रहा है कि है भी या नहीं, विभाग से संबंधित है या नहीं और उसका यहाँ क्या काम है। तो अब तक कोई पता चला हो इसकी पोस्टिंग वगैरह कहाँ पे थी क्या था? जो इसने अपना आई कार्ड दिखाया उसके हिसाब से ये रिटायर हो चुका है 2016 में। धनाधन में आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी दर्शकों को वॉइस ऑफ पानीपत की तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं, नमस्कार। मैं सीनियर डिप्टी मेयर काजल बटला सभी नगर वासियों को भैया दूज दिवाली गुरु पर्व की शुभकामनाएं देती हूं और भगवान से प्रार्थना करती हूं कि ये सभी त्योहार आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। देखिए आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा और आर्य बाल भारती विद्यालय पानीपत की ओर से सभी शहरवासियों को जो दीपावली का पर्व है उसकी हम शुभकामनाएं देते हैं और अपील करते हैं कि जात पात के जहर से दूर रहें, नशा से दूर रहें और उत्तम चरित्र अपनाएं। सभी शहरवासियों को दशहरा और दिवाली की आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, परमात्मा आपको खुशहाली दें। धन्यवाद। डॉक्टर अजय शर्मा, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी पानीपत।
संयुक्त व्यापार मंडल जिला पानीपत की ओर से पानीपत के सभी नगर निवासियों को दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाई। आर्य गर्ल्स पब्लिक स्कूल की तरफ से समस्त शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। पूरी मैनेजमेंट की तरफ से दीपावली सबके लिए शुभ हो और जीवन में उन्नति आए, ऐसी मेरी कामना है। आप सबको दीपावली, भैया दूज और गुरु नानक देव की लख लख बधाई देते हैं। SFM में एवं श्री राम दशहरा कमेटी बरसत रोड की तरफ से पानीपत वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं परमात्मा से विनती करता हूं कि पानीपत वासी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और परमात्मा इनकी सेहत तंदुरुस्त रखे और धन धान्य से भरपूर रखे। मैं आप सभी को वॉइस ऑफ पानीपत को खासतौर पर दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली, धनतेरस, भैया दूज, गुरपुरब की सबको लाख लाख बधाई हो और मैं जन सेवा दल चमन गुलाटी जन सेवा दल की ओर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जन सेवा दल पानीपत। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम एंड बालाजी परिवार की तरफ से आप सभी शहरवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आपके लिए ये त्यौहार खुशियां लाए। अमरी सीयर एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से पूरे हरियाणा वासी को दिवाली की शुभकामनाएं। ये त्यौहार पूरे हरियाणा वासियों की जिंदगी में सुख समृद्धि लाए। फैशन गैलरी परिवार की ओर से दिवाली की सभी जिला वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपके जीवन में खुशियां लेके आए। सभी नगरवासियों को, प्रदेशवासियों को दीपावली, भैया दूज, विश्वकर्मा डे जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों की मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से बधाई प्रेषित करता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला वर्ष आपके लिए ढेरों खुशियां, सुख और समृद्धि लेकर आए और आप प्रगति के रास्ते पर इसी प्रकार से अग्रसर रहें। हमारा हरियाणा प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चहुमुखी तरक्की करे, इसी उम्मीद के साथ। मैं गगन सेठी, पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष पानीपत, आप सभी पानीपत वासियों को दीपावली व गुरुपुरब की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि दीपावली और गुरुपुरब आपके लिए मंगलमय हो। आइबल पब्लिक स्कूल की तरफ से सभी नगरवासियों को दिवाली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। हम सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां, सफलता और अच्छा स्वास्थ्य रहे। आप सब लोग बड़े हर्षोल्लास से अपना त्यौहार मनाएं। मैं गौरव शर्मा वार्ड नंबर 8 की ओर से सभी जिला वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये दीपावली का पर्व आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। IBM परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों और जिलावासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। दीपावली दीपों का त्यौहार, पटाखों से दूर रहें, सुरक्षित दीपावली मनाएं, अच्छी दीपावली मनाएं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर जगदीश गुप्ता, प्रिंसिपल REPG कॉलेज पानीपत, आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएँ देता हूँ। ये पावन पर्व आपके लिए, आपके परिवार के लिए मंगलमय हो, ऐसा मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। और साथ ही साथ एक निवेदन भी करता हूँ कि हम प्रयास करें कि हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से बचाएं। अपने बच्चों को हम ये समझाएं कि वो इस दीपावली पर पटाखों का प्रयोग ना करें। मैं जय कुमार बिंदल, MC वार्ड नंबर 5 पानीपत की ओर से सभी पानीपत नगर वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये पर्व सभी की जीवन में खुशियां लेकर आए। मैं कनिका मिगलानी, सुपर वुमेन क्लब से अध्यक्ष, सभी शहरवासियों को दीपावली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। मैं कामना करती हूं यह त्यौहार सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए। मैं कपिल मोहतरा, जन सेवा दल पानीपत से दिवाली की और गुरुपर्व की और भैया दूज की सब कुछ हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाए। मैं कृष्ण अग्रवाल, डायरेक्टर विद्या वाटिका वर्ल्ड स्कूल, प्रधान पालिका बाजार एसोसिएशन, मैं अपनी तरफ से, स्कूल की तरफ से, अपने पालिका बाजार एसोसिएशन की तरफ से अपने प्रदेशवासियों को और अपने शहरवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। आशा करता हूँ कि ये दीपावली सबके लिए खुशियाँ लेकर आए और हमारा प्रदेश दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, हमारा शहर पानीपत स्मार्ट सिटी बनने की तरफ अग्रसर हो। मैं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आशा करता हूं कि ये दीपावली खुशियां लेकर आए। मैं ललित गोयल, LK होंडा परिवार की ओर से
आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। यह त्यौहार आपके जीवन के अंदर मंगलमय हो, खुशियाँ लेकर आए बहुत सारी, और आप खूब तरक्की करें, और आपको और पूरे शहरवासियों को मेरी ओर से एक बार पुनः दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज परिवार की तरफ से पानीपत वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और इस त्यौहार पर आपको बहुत अच्छी खुशियां मिलें, सभी शहरवासी बहुत अच्छी तरह से इस त्यौहार को मनाएं। सभी जिला वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं, और ये त्यौहार सभी जिला वासियों के घरों में खुशियां लाए, और मैं सभी जिला वासियों को धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत दिवाली की बधाई देता हूं। मैं मीनाक्षी नारंग, धर्म पत्नी श्री अशोक नारंग, मैं सब देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देती हूं, और साथ ही यह भी आशा करती हूं कि आप सब खुश रहें और यह त्यौहार आपके लिए मंगलमय हो, आपका जीवन खुश। अपनी तरफ से, अपनी पार्टी कांग्रेस की तरफ से प्रदेशवासियों को, अपने हल्कावासियों को दशहरा की और दिवाली की शुभकामना देता हूं, और हमारे जैसे कि हमारे प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर जी के आदेशानुसार हमने सारे हरियाणा के अंदर और सभी ने अपने हलके के अंदर जनसंपर्क अभियान चलाया हुआ है, उसके अंतर्गत प्रत्येक बूथ पर हमने 10-10 सिपाही उसके तैयार करने हैं, एक एक सिपाही जो है ना वो 20-25 घरों को देखेगा, उसके ऊपर एक कोऑर्डिनेटर नियुक्त करना है, इस तरीके का अभियान हमने पूरे हल्के के अंदर चलाया हुआ है। मैं प्रवेश नैन पार्षद 22 वार्ड दिल अपने दिल की गहराइयों से और अपने सभी वार्डवासियों को, सभी बुजुर्गों को, सभी नौजवान साथियों को, सभी माताओं बहनों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह से दीपावली खुशियों भरा त्यौहार है, आपके सभी परिवार में, सभी वार्ड में खुशियों भरा मौसम रहे, और हम ऐसे ही जिस तरीके से आपने मुझे 5 साल तक आशीर्वाद दिया है, ऐसे ही आशीर्वाद मेरे आपका बना रहे। धन्यवाद। राधे पांचाल, डायरेक्टर ऑफ राधे डांस स्टूडियो। मैं राधे डांस स्टूडियो की पूरी फैमिली की ओर से हरियाणा वासियों, पानीपत वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह त्यौहार आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। PCC एकेडमी के परिवार की तरफ से पानीपत के सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं एक संदेश देना चाहता हूं, दोस्तों आप कोशिश करिएगा बच्चों को थोड़ा सा पटाखों से दूर रखिएगा, क्रैकर से थोड़ा सा दूर रखिएगा, और ये त्यौहार आपके लिए जीवन में मंगलमय हो, माँ लक्ष्मी जी का आपके घर में वास हो, और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं दीपावली में पूरी हो, मैं ऐसी आशा करता हूँ। राजीव परूथी, PCC अकेडमी, पानीपत। मैं रामचंद्र का जन्म समस्त विकास नगर वासियों की तरफ से समस्त हरियाणा प्रदेश वासियों को धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि मेरे हरियाणा प्रदेश में खुशहाली हो। यमुना सुधार समिति की तरफ से दिवाली की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं, और यमुना नदी में कार्तिक माह के नाने से सभी की मनोकामना पूरी होती है। नमस्कार, मैं संदीप मलिक, फ्लैश मीडिया की तरफ से आपको व आपके परिवार को दीपावली व दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। धन्यवाद। मेरी तरफ से समालखा और प्रदेश वासियों को दीपावली और भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला समय उनका बहुत ही बढ़िया हो, प्रदेश में खुशहाली हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं संजीव कुमार सभी जिलावासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये त्यौहार सभी के जीवन में खुशियां लाए। नमस्कार, मैं संजीव मलिक, मेरी तरफ से पानीपत के सभी नगरवासियों को दीपावली व दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेके आए। नमस्कार, ऑन द बिहाफ ऑफ स्मॉल वंडर आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। ऑन दिस फेस्टिवल आई विश यू लॉट्स ऑफ लव, लाइफ एंड लॉट्स ऑफ लाफ्टर। प्लीज बी सेफ एंड हैव अ हेल्दी दिवाली एंड हैव अ ग्रेट ईयर अहेड। थैंक यू। सभी शहरवासियों को मैं गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पानीपत की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और इसी प्रकार से दिवाली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये दशहरा हमारा बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। हमें इस दिन सीख लेनी चाहिए कि हमें बुराई को ख़त्म करना है और अच्छाई की राह पर चलना है। धन्यवाद। मैं सुरेश वर्मा, महापौर नगर निगम पानीपत, मैं आप सभी जिला निवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामना देता हूँ,
और भगवान से प्रार्थना करता हूँ यह त्यौहार आपके घर में खुशियाँ लेकर आए। हम अपनी प्लैटिनम चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से सारे पानीपत के शहरवासियों को बहुत बहुत दिवाली और दशहरे की बधाई देते हैं और पूरे शहरवासियों से निवेदन करते हैं कि इस बार पोल्यूशन फ्री दिवाली मनाएं, क्रैकर फ्री दिवाली मनाएं, कोई पटाखों का बम वगैरह का इस्तेमाल ना करें और मिट्टी के दियो का इस्तेमाल करें और प्रेम भाव बढ़ाएं, सारे शहरवासी आपस में भाईचारे को बढ़ावा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर, अब किसी भी प्रकार की LED लाइट या कैमरा हो खराब, नहीं है कोई चिंता की बात। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर है आपके साथ। फोन 9253342393।